The topic for today is COVID situation. Should we be worried? क्या हमें इसके बारे में worried होना चाहिए? हमने न्यूज में देखा है कि काफी सारे केसेस देखे जा रहे हैं चाइना में. ये बताया जा रहा है कि एक दिन में 80 से 90 हजार तक जो है केसेस, नंबर ऑफ केसेस वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. यदि माइल्ड तरीके के भी इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन्हें कोमोबिडिटीज है, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कई बार बढ़ जाती है. ये हमने काफी गहरे तौर पे देखा था कोविड की सर्ज के दौरान, कोविड की वेव्स के दौरान. जो हमारी फर्स्ट वेव आई थी, फॉलोड बाय द सेकेंड वेव, विच वॉज द मोर ड्रेडेड वेव, डेल्टा वेव के टाइम पे, जब भी हमने देखा कि किसी व्यक्ति को अंडरलाइन कोमोबिडिटीज थी, तो उन्हें किसी और कारण भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा था. हालांकि कई लोगों को जो है कोविड की वजह से प्रॉब्लम नहीं थी, उनके डायबिटीज या फिर स्ट्रोक या फिर अदर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं कोविड के कारण, उनके कारण एडमिट होना पड़ रहा था. तो नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़े हुए हैं चाइना में, ऐसा बताया जा रहा है. जो करंट सर्च है वहां पे वो BF7 वेरिएंट की वजह से है. BF7 जो वेरिएंट है वो कोविड ओमिक्रॉन वायरस का ही एक सब लाइनेज है, यानी कि इसी का एक सब वेरिएंट है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन में किसी और तरीके की म्यूटेशन देखी जा रही है. हमें पहले के स्टडीज से ये ऑलरेडी पता है कि जो भी आरएनए वायरसेस होते हैं, उनमें जो रेट ऑफ म्यूटेशन होती है, यानी कि उनके डीएनए बदलने की जो फ्रीक्वेंसी और स्थिति होती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है वो, और वो अपने आप को इस तरीके से ढालते हैं कि वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाए. तो आरएनए वायरसेस में ऐसा पहले से देखा जाता है, लेकिन कोविड वायरस के केस में ये कुछ ज्यादा ही जल्दी म्यूटेट होता है. और हमने देखा है कई बार महीने या कुछ महीने या कुछ वीक्स या फिर कुछ एक साल में ही इतने चेंजेस और इतने सारे वेरिएंट्स आ गए हैं कि इनके नाम भी याद रखना मुश्किल हो गया है. तो BF7 जो वेरिएंट है वो एक सब लाइनेज है ओमिक्रॉन का ही. वहीं दूसरी तरफ बात उठी है कि इंडिया में क्या सिचुएशन रहेगी, ये समय बताएगा. लेकिन हमारे पास काफी हथियार है कोविड से लड़ने के लिए. उनमें से सबसे सटीक और अच्छा जो हथियार हमने देखा है, जो प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ है, वो है मास्किंग. इसके अलावा ये जो हमारे अभी करंटली वेरिएंट देखे गए हैं, इंसा सीओजी एक बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड बॉडी है, जो डेटा कलेक्ट करती है इन वेरिएंट्स के बारे में, जो कोविड के वेरिएंट्स होते हैं. ये डेटा कलेक्शन हमारा सेंटर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट, ईच स्टेट से, यानी हर स्टेट से ये डेटा लिया जाता है. हर हॉस्पिटल से कुछ सैंपल्स जो हैं ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं, और इनका जीनोम देखा जाता है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं. तो इंसा सीओजी के डेटा के मुताबिक 35 से 65% तक हमारे यहाँ पे कोविड के जो केसेस है वो XBB या XBB1 नाम का जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इस समय वो देखा गया है. तो हमने पिछले हफ्ते ये न्यूज देखी थी कि XBB जो वेरिएंट है या फिर जो BF7 वेरिएंट है काफी ज्यादा इन्फेक्टिव है, और इसकी जो इन्फेक्टिविटी की तीव्रता है वो एक व्यक्ति से 18 और व्यक्तियों में इन्फेक्शन की संभावना होती है. पिछले जो वेरिएंट आए थे उनकी जो तीव्रता थी इन्फेक्टिविटी की, वो हमने देखा था कि 5 से 7 लोगों को ओमिक्रॉन के टाइम पे हमने जाना था कि ये एक व्यक्ति इन्फेक्ट कर सकता है. जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि आरएनए वायरसेस जब इतने ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाते हैं तो उनकी विरुलेंस कम हो जाती है, यानी कि उनकी डिजीज को कॉज करने की क्षमता, सीवियरिटी जो होती है, जो जो जटिलता होती है, वो कम हो जाती है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो, इसका यही मतलब है कि वो आपके अंदर जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे. माइल्ड तरीके का इन्फेक्शन हमने ओमिक्रॉन के टाइम पे देखा था. जो ओमिक्रॉन का सर्ज हुआ था, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी उनमें जरूर हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, लेकिन कोविड निमोनिया बहुत कम था उस समय पे. तो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है अभी एज कंपेयर टू चाइना, हमारी काफी ज्यादा पॉपुलेशन, यानी 80 से 90% जो पॉपुलेशन है
उसको प्राइमरी डोसेज ऑफ वैक्सीनेशन लग चुकी है ऑलरेडी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुई है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड हियर इन इंडिया विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, तो हमें ये जानना चाहिए कि 90% जो हमारी जनता है ऑलरेडी इस इन्फेक्शन से जो है वो जूझ चुकी है, उन्हें इन्फेक्शन हो चुका है। तो जो सबसे अच्छी इम्यूनिटी हमें मिलती है कोविड के लिए वो मिलती है 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन, और यदि आपको कोई इन्फेक्शन पीछे हुआ हो तो इसे हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाता है। यही इम्यूनिटी सबसे बेहतर इम्यूनिटी मानी गई है स्टडीज में। जब हमने देखा लैब में स्टडी किया, लोगों को कंपेयर किया, तो जिन लोगों की हाइब्रिड इम्यूनिटी थी उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी साबित हुई थी इस इन्फेक्शन के लिए।